साइनोसाइटिस या साइनस एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में आपने कभी ना कभी किसी न किसी से सुना जरूर होगा, या हो सकता है कि आपको ही हो और आपको इसके बारे में पता ना हो, क्योंकि इस बीमारी के सिम्टम्स इतने कॉमन होते हैं कि इसे डायग्नोस कर पाना इज ए बिट डिफिकल्ट जॉब। नाक बहना या नाक ठसी रहना, सिर में माथे में दर्द होना या भारीपन रहना और पोस्ट नेजल ड्रिप, ये कुछ काफ़ी कॉमन सिम्टम्स हैं साइनोसाइटिस के। और अगर आपको नेजल पॉलिप की शिकायत है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ऑलरेडी साइनोसाइटिस से सफ़र कर रहे हो। तो क्या होम्योपैथी से साइनस कम्प्लीटली ठीक हो सकता है या नहीं? वेल, होम्योपैथी के थ्रू साइनोसाइटिस का कम्प्लीटली ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वो भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट एंड विदाउट एनी स्टेरॉइड। हाय, आई एम पार्थ एंड इन दिस वीडियो मैं बात करने वाला हूँ साइनोसाइटिस के बारे में, कि साइनस क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या इसके लिए कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है या नहीं, एंड कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाती हैं वाया होम्योपैथिक फिजिशियंस इन केस ऑफ साइनोसाइटिस। अगर आम भाषा में बात की जाए तो साइनस का मतलब, एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक, नोज के पीछे जो बोन्स हैं जनरली हेल्दी कंडीशन में वहाँ पे एयर फिल्ड रहती है, इसे हम हेल्दी साइनस कहते हैं। सपोज अगर आप किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट है और डस्ट के कॉन्टेक्ट में आते ही आपकी आँखों से पानी आना स्टार्ट हो जाए, नाक बहने लगे या नाक ठस जाए, सिर में माथे में या कनपेटी में आँखों के आसपास दर्द होने लगे या भारीपन होने लगे या एलर्जी कॉज हो जाए, तो ये साइनोसाइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी लंबे समय से नाक ठसी रहे या नाक बह रही हो, या काफ़ी लंबे समय से नेजल पॉलिप की शिकायत हो, तो आप क्रोनिक साइनोसाइटिस से भी सफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सडनली ये सिम्टम्स कैसे आए। एक्चुअली डस्ट के कॉन्टैक्ट में आते ही बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ एंड इन रेस्पॉन्स टू एलर्जिन, जो कि इस केस में डस्ट पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से नाक में और नाक के पीछे की तरफ इन्फ्लेमेशन हुआ, जिस वजह से साइनस की एयर फिल्ड कैविटी में जहाँ पे एयर फिल्ड रहती थी वहाँ पे पस और म्यूकस का फॉर्मेशन हुआ, जिस वजह से साइनोसाइटिस कॉज हुई। क्या साइनस के कुछ और भी सिम्टम्स हैं जिसकी मदद से हम साइनोसाइटिस को डायग्नोस कर सकें? नेजल इरिटेशन, पोस्ट नेजल ड्रेनेज, नाक बहना, सिर में दर्द होना, इन सभी सिम्टम्स के अलावा कान में दर्द होना, लगातार खांसी रहना, स्मेल और टेस्ट ना आना, बहुत जल्दी थक जाना, ये सभी कुछ और सिम्टम्स हैं साइनोसाइटिस के। अगर इनमें से आप कोई भी सिम्टम्स फेस कर रहे हो तो अपना साइनोसाइटिस का टेस्ट जरूर करवा लें। तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए साइनोसाइटिस को डायग्नोस करने के लिए, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। फिलहाल बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या कॉजेज हैं, ऐसे क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से साइनोसाइटिस कॉज हो सकती है। नेजल पॉलिप रहना काफ़ी बड़ा कॉज है साइनोसाइटिस का। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एलर्जी और नाक की हड्डी टेढ़ी होना, इसके साथ साथ डेविएटेड नेजल सेप्टम, पॉल्यूशन, अस्थमा और कई बार तो दांतों के इन्फेक्शन की वजह से भी साइनोसाइटिस कॉज हो सकती है। क्या साइनोसाइटिस का पता लगाने के लिए कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है या नहीं? वेल, साइनोसाइटिस का पता लगाने के लिए PNS एक्सरे, CT स्कैन, MRI काफ़ी हेल्पफुल हैं, जिनमें से CT स्कैन और MRI की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि स्पेसिफिकली किस एरिया में साइनोसाइटिस का इन्फेक्शन फैल रहा है या फैल चुका है, लाइक इथमोइडल साइनस में, फ्रंटल साइनस में, मैक्सिलरी साइनस में या फिर स्फेनॉइडल साइनस में, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो एलोपैथी में साइनोसाइटिस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीहिस्टामिन और एंटी एलर्जिक दी जाती है, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन से साइनोसाइटिस की रीअकरेंस की टेंडेंसी खत्म नहीं होती। वहीं होम्योपैथिक मेडिसिन की मिनिमम डोज से ही साइनोसाइटिस को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। इसके साथ साथ होम्योपैथी से साइनोसाइटिस की रीअकरेंस की टेंडेंसी भी खत्म कर दी जाती है, जिसकी वजह से मेडिसिन को बंद करने के बाद भी साइनोसाइटिस की बीमारी वापस लौट के नहीं आती। वैसे तो होम्योपैथी में हर एक सिम्टम्स की काफ़ी सारी मेडिसिन है और होम्योपैथी में मेडिसिन सिम्टम्स के बेसिस प्रेस्क्राइब की जाती है, इसी तरह होम्योपैथी में साइनोसाइटिस के लिए भी काफ़ी सारी मेडिसिन है, लेकिन जिनमें से एकोनाइट, अर्जेंटम नाइट्रिकम, काली बाइक्रोम, हाइड्रेस्टिस, ब्रायोनिया, नेट्रम्यूर, लाइकोपोडियम, स्टेफिसिग्री, ये कुछ काफ़ी कॉमन मेडिसिन है जो कि काफ़ी कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाती हैं वाई होम्योपैथिक फिजिशियंस। बट मेक श्योर आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले अपने किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट जरूर कर लें। एंड अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिन्हें साइनोसाइटिस है या नेजल पॉलिप है, तो उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।